नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। खबर का असर जरगो बांध में आई तकनीकी खराबी के बाद वीओआई द्वारा दिखाई गई खबर का असर देखने को मिला, जहां आज वाराणसी के मुख्य अभियंता सुरेश चंद शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ बांध पर पहुंचे और बांध में आई तकनीकी खराबी को ठीक करवाया। इस मौके पर उन्होंने हमारे पत्रकार वासिम खान को बताया, 7 साल पुराना बांध है जिसमें ऐसी तकनीकी खराबी आ जाती है, हम जल्द ही इसके पूरे गेट को बदलवा देंगे। आइए सुनते हैं मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र शर्मा और गाँव के निवासी को। आज में तेजी आवाज बढ़ल जाता है, घटत ना है, इसके आवाज के वजह से गांव बहुत धंसत में है, हम लोग के धंस पैदा है। अब भाई कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, बनाने वाले बना रहे हैं, उसमें बोरा का बोरिया प्लास्टिक को ठूस करके बना रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये डैम जो है बहुत लगभग 56 का डैम है और करीब 60 साल करीब पुराना डैम है और इसका गेट अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें कंपन हो रहा था, तो अभी तात्कालिक तौर पर ठीक करा दिया गया है। अभी रस्ताओं के इसका स्टॉप लॉक बंद करा के इसको तब इसको पूरी तरह मरम्मत कराया जाएगा। पिछले दिनों जब बांध में तकनीकी खराबी आई थी तो इस खबर को सबसे पहले हमने दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए इस कार्य को तुरंत किया गया, जिससे कई गांव पानी में बहने से बच गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से वासिम खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।